सभी उपस्थित सगाजन को सेवा जवाहर। अभी बारिश चल रही है, बाहर जा भी नहीं सकते, तो चलिए मैं 5 मिनट आपके लेता हूँ। 5 मिनट सब लोग ध्यान दीजिए, चाहे आप कोई भी हो, सब लोग ध्यान दीजिए। 5 मिनट ले रहा हूँ आपके, और इस 5 मिनट में अभी सर जी ने कहा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, मैं महाराष्ट्र का हूँ, चांदागढ़ का, राहुल खन्ना के मेरा नाम है। हम मीडिया पे जारी है कि गोंडवाना कुर्तुल संस्कृति एक्चुअल में क्या है, ये लोगों को बताते हैं उस वीडियो के जरिए। अगर चैनल चाहिए आप यूट्यूब में मुझे ढूंढना चाहते हैं, तो राहुल खन्ना के या अलाइव प्रेस नाम के चैनल से हम प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। एक्चुअली आप जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे खड़े हैं, वो पहले क्या थी ये मायने नहीं रखता। अभी ये आपका एक पेन स्थल है, एक ठियाना है, जिसमें आप आके अपने पेन पुत्रा को याद कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्थापित किया गया, ये कोई मूर्ति या पुतला या स्टैचू नहीं कह सकते आप इसको, ये नहीं है। और हमने, हमारी सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं है। लोग कहेंगे फिर आपने ये सल्ला शक्ति कैसे बना दिया। ये वो स्थान है दुनिया के 2 पॉइंट को ये मैनेज करता है, बैलेंस करता है, जो स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, चाहे वो इंसान हो, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे कीड़ा मुंगी हो, कुछ भी हो, सभी चीजों में, आपके पेड़ों में, फूलों में, जो प्लस माइनस का गुणधर्म होता है ना, वो ही गुणधर्म, और उसी पॉइंट को हम पूज रहे हैं आप। तो ये बातों में नहीं रही है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा हम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रकृतिवाद को मानते हैं। आपके नदी के किनारे कहीं पत्थर रखा होगा, वो प्रकृतिवाद है, क्योंकि हम उस जल को मान रहे हैं। किसी पेड़ के नीचे पत्थर होगा, वहां पे आदिवासी आदमी चाहता होगा, तो वो उस पेड़ की पूजा है, क्योंकि पेड़ में 12 प्रकार के अंग होते हैं, जैसे कि हमारे प्रधान साहब ने बताया। हर चीज में, छोटा छोटा चीज में प्रकृतिवाद है, तो हमारा ये प्रकृतिवाद हम साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए हम मूर्ति पूजा या और अवडंबर नहीं करते। आपको बताया गया होगा कि बाकी पूजा तो पता नहीं, लाखों खर्चा होता है, 2000 खर्चा होता है, जितना भी होता है, लेकिन आपके कल्चर में, आदिवासी कल्चर में, आपको जितना एक राजा को खर्चा आएगा ना, उतना ही खर्चा उस समाज के रहने वाले छोटे से आदमी को भी आएगा, क्योंकि महुआ का फल आपको प्रकृति से मिलता है, लेना पड़ता नहीं। जो राग सीधा सीधा आपको पेड़ों से अवगत होता है, उसको भी लेना नहीं पड़ता। हल्दी के लिए आप लेंगे तो भी छोटा सा खर्चा आएगा। यानी कंटेंट ये है कि आपके मन में, अगर आपके पुरखाओं के लिए अगर प्रेम विश्वास भावना है, तो आप कहीं से भी इस प्रकृतिवाद को पूज सकते हैं, जिसे हम कुंभ कहते हैं। सीधा सरल है, बहुत कठिन नहीं है, और कभी भी किसी रूढ़ी प्रथा परंपरा को आपको जानना है कि हमारे इसमें आता है कि नहीं आता, तो सीधा उसको प्रकृतिवाद के नियम पे तोलिए। क्या इसमें अंधश्रद्धा है, क्या इसमें पाखंडवाद है? क्योंकि आप वो लोग हो जो पाखंडवाद को नहीं मानते, आप वो लोग हो जो सबसे पहले आपने जाना है कि इस दुनिया में अगर हमें बचना है ना, तो पहले प्रकृति को बचाना है। जिस दिन प्रकृति खत्म, उस दिन हम लोग खत्म। इसलिए हम लोगों ने प्रकृति को भी बचाया और हम भी बच रहे। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, इस बात को ध्यान में रखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम वैसा करेंगे, ये बात गलत है। आज लिंगो साहब का परिवेश धारण करे हुए हमारे टिकम जी हैं, उनको देखिए आप जरा, उनके वो जो वेशभूषा है, जो परिधान कर चुके हैं, किस लिए लाया गया? देखने और फोटो और सेल्फी निकालने के लिए लाया गया? हमारे जमाने में इस व्यवस्था को, आप सभी गोंडियन लोग हैं, हमारे गोत्र के हैं, मैं 5 सगा का हूँ, कोई 3 सगा का है, कोई 7 सगा का है। ये व्यवस्था बनाने वाले पांडी पारी कुपार लिंगो, उनको याद करने के लिए आज उनका वेशभूषा हुआ है। लिंगो क्या करते थे? लिंगो यानी आज के जमाने में कौन है? स्पेशलिस्ट है। एक एक बारीक बारीक चीजों में अपना अध्ययन करने वाले लोग लिंगो स्पेशलिस्ट है। आज के लोग PhD करते हैं ना, वहाँ लिंगो उपाधि दी जाती थी, 12 प्रकार के गोटुल, और 12 गोटुलों से जिनको मान्यता मिलती थी वो लिंगो पदवी को पहुंचते थे। बहुत बड़ा विषय है, 5 मिनट में हम नहीं बता पाएंगे। कहना आती है कि कंटेंट ये लेकर चले कि आप मूर्ति पूजा के आदि नहीं हो, आपके कल्चर में मूर्ति पूजा नहीं है, वृक्ष पूजा है, प्रकृति पूजा है।
प्रकृति यानी सिर्फ पेड़ और पौधे नहीं, हर प्रकार के प्राणी, हर प्रकार के पक्षी, प्रकृति में बरसने वाला पानी, प्रकृति में होने वाली नदी, ये सभी बातें जो दिया है ना कंसेप्ट। अभी आज बारिश का मौसम था तो प्रधान जी ने बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन एक दिया होता है जिसमें जलाया गया वहाँ पे, आप जाके पूछ के आए, दर्शन लेके आए, तो वहाँ पे क्या है, नीचे अनाज है, मिट्टी का घड़ा है, ऊपर दिया है। इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए, नीचे अनाज है तो हम सभी लोग आज ड्यूटी कर रहे शहरों में आ गए हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो खेती पे डिपेंड रहने वाला समाज है। और खेती का खोज, जो खेती की खोज है वो यहाँ के आदिम लोगों ने लगाई है, इसलिए खेती का अनाज, उसके ऊपर मिट्टी यानी एक पृथ्वी में होने वाली मिट्टी, उसके अंदर है जल, इसका मतलब है जो जीव में पूरे जीव जो पनप रहे ना उसके कारण जल, और ऊपर अग्नि, और अग्नि को जलने वाला जो ऑक्सीजन हवा है, इन सभी ऊर्जाओं के हम उस मार्फत पूजा करते उसको पूछते हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप समझिए, और मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे भैंस स्थल बना है तो आपके घर में कोई भी पूजा हो, कोई भी गोंगो हो, उसके पहले आप यहाँ इस भैंस स्थल में आइए, या मत्था टेकी, आपके भाषा में मत्था टेकी है, और दिल से खुलकर बोलिए कि जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो हमारे घर में त्यौहार हो रहा है, इस त्यौहार में आप साथ रहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपके पुरखाओं को पूजा जाता है, 8, 10 सिर वाले और 4 हाथ वाले देव को नहीं। याद रखिए, इंसान कैसे भी हो, जन्मा हो तो उसको दो ही हाथ थे, दो ही पैर थे, वो अपनी माँ की कोख से ही जन्मा था, समझ लीजिए। जो पुरखा है जिनकी वजह से आप खड़े हैं, कैसे भी हो लेकिन जिनकी वजह से आप खड़े हैं, उनको आभार मानिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, और फिर आप जो चाहे अपना पर्व कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा किताब अगर आप अपने कस्टम की लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको समझ पाएंगे। मैं भूमका संघ और सचिदानंद जी धूर और हमारे नंद जी, ये 2-4 दिन से हमको गाइड कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आप सभी सगाओं से मिलकर। एक पॉइंट रह गया है, सर जी बता रहे, हम गए थे यहाँ पे कालीघाट में, और कालीघाट में जाके हमने सिर्फ दर्शन नहीं लिया, इधर उधर का देखा, तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट बता देता हूँ कालीघाट का क्या है। कालीघाट की जो भी काली माता बोल रहे हैं वो कोल लाई है, एक्चुअली कोल लाई है, उसके ऊपर और एक टीम लाएंगे और बड़ा रिसर्च करेंगे हम लोग। हम रिसर्च ही करने आए थे और देखा यहाँ पे, तो एक्चुअली कोलदाई है, कोल लोग यहाँ के आदिवासी, उन लोगों की दाई है कोलदाई, और वो जैसे कोई भी किला हो, कोई भी मंदिर हो, वो गोंडवाना साम्राज्य का कैसे होता है, इसके लिए गणित है कि वो गणित ऐसा है कि उसका जो बांधकाम होता है, स्ट्रक्चर होता है ना, वो गोंडवाना कालीन होता है। जैसे कि उसका जो द्वार होता है वो दक्षिणी या पश्चिमी होता है, उसके जो गर्भ होता है, गर्भ उसमें 9 मंडा या 16 मंडा ही लगते हैं। और अगर गोंडियन पेस्टल है तो आपको जानना है, तो गोंडियन पेस्टल जब जहाँ खड़ा होता है ना, मंदिर आप मंदिर कह सकते हो, हम पेस्टल कहते हैं, वो जहाँ खड़ा होता है ना, उसके कहीं नजदीक पानी का संचय होता है नजदीक में, और कहीं नजदीक मरकट भी होता है, स्मशान भी होता है। ये बातें याद रखिए। और ये फिलोसॉफी क्या है, सर जी ने अभी मातलाता सेवा वगैरह कहा ना, उसमें तुंगा मुंगा कुंडा भी कहा था, ये 3 चरण है, एक हम जन्म लेते हैं, दूसरा हम परिपक्व यानी परफेक्ट होते हैं, और तीसरा हम चले जाते हैं। ये 3 ही चरण है आपके पास, चौथा चरण नहीं है। तो ये 3 चरण जो है, पानी यानी जीव की उत्पत्ति जिसमें जीव पनपता है, गर्भगृह जो मंदिर होता है, गर्भगृह वो है परफेक्टनेस, हम पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, मंडा होता है, और उसके बाद मरकट होना यानी हम चले जाना। ये तुंडा मुंडा कुंडा का परिपूर्ण होना, ये गोंडवाना की एक निशानी है। और हम लोगों ने जो देखा है, तो मैंने वीडियो भी बनाया है, जब जिस दिन गया था उसी दिन वीडियो बनाया था, तो वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें हम यही बजा रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट, आदिम लोगों के ही कल्चर में बलि देने की प्रथा है, जिसे बलि में शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, पुजबन कहते हैं हम लोग, और ये पुजबन कोई पाप पुण्य वाला नहीं है। हमारे रिश्ते नातों में ना पाप पुण्य नहीं कहा जाता, हम बैलेंस करते हैं। अगर पाप कहेंगे ना तो आप धान की बाली को भी नहीं काट सकते, तो आप भूखे रहेंगे, धान की बाली को काटेंगे तो उसका जीवन नष्ट नहीं होगा, तो फिर आपको भूखे रहेंगे,
हमारे इसमें पाप पुण्य नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। हम प्रकृति को बैलेंस बनाते हैं, उसको खाते भी हैं, लगाते भी हैं, उसको खा भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। तो जो काली दाई का कंसेप्ट है उसको आगे चलकर रिसर्च में लाएंगे। लेकिन यही कहना है कि बहुत सारे आपका इतिहास, पुराना इतिहास कन्वर्ट हो गया। ढूंढना है तो सही तरीके से, सही संदर्भ से ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सगाजनों का, और स्पेशली धन्यवाद यहाँ पे पूर्ण महासभा के सदस्य अध्यक्ष जो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ सीखने को मिला है। तो सभी को धन्यवाद करता हूँ। भूमिका लोग जिन्होंने मुझे बोलने को कहा यादव से, उनका भी धन्यवाद। और यही मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। खड़ा पिंता आई कली कंकाली ना आई रायतार जंगो ना आगी पारी कुपार लिंगो ना पाटलीर हीरा सुकाना वीर बाबूराव शर्मा के ना जय श्री।